स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो सामान्य ज्ञान के इतिहास सेशन से रिलेटेड होंगे। दोस्तों यही क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं और इन्हीं में से अगले एग्जाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 25 हैं दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। दोस्तों इतिहास के ये क्वेश्चन हैं और 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 ही है। दोस्तों और अधिक प्रैक्टिस सेट के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जो है दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। तो प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? तो कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में जो प्रथम अंग्रेजी जहाज भारत आया था उसका नाम रेड ड्रैगन था, जो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे ये। उसके बाद अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणकालीन मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए थे? तो मालवा संस्कृति के जो अवशेष हैं वो नवदा टोली और माहेश्वर के अंदर प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर एक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवदा टोली और माहेश्वर। अगला प्रश्न है, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कपास के साक्ष्य की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ये जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे और कृषि के साक्ष्य भी जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कहे जाते हैं। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो निशाका जो है उसके रूप में जो है भारत के अंदर स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? नरम दल के जो नेता थे, आपको पता होगा कांग्रेस का 1907 के अंदर जो सूरत में जो अधिवेशन हुआ था 1907 के अंदर, उसमें जो है गरम दल और नरम दल दोनों अलग अलग हो गए थे। तो नरम दल का जो आंदोलन की पद्धति है वो अनुकूल विघटन की पद्धति है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी हैं, जो वैदिक साहित्य हैं जिनके अंदर वेद और जो भी वेदांग आते हैं, तो इसके अंदर सबसे जो वर्णित नदी हैं वो कौन सी हैं? तो सिंधु नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा अगला जो क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के शासन में जो है प्राप्त हुआ था, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मठ के युद्ध में पराजित किया था, धर्मठ किस राज्य में स्थित हैं? तो 1658 के अंदर दोस्तों दारा शिको और जो औरंगजेब हैं इनके बीच में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ था, जिसे हम धर्मत के युद्ध में के रूप में जाने जाते हैं, और जसवंत सिंह ने जो है दारा शिको का साथ दिया था। और तो ये जो धर्मत है वो मध्य प्रदेश में जो है स्थित है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं? तो भारत के जो प्राचीनतम प्राप्त जो सिक्के हैं वो चांदी के सिक्के थे, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का जो महल था वो लकड़ी का बना था, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय जो श्वेतांबर संप्रदाय थे उसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जैन संप्रदाय दो भागों में बटा हुआ था, एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर थे। तो श्वेतांबर के संप्रदाय की बात करें तो स्थूलभद्र थे, और दिगंबर के जो संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, श्वेतांबर का आपको पूछा है तो इसके स्थूलभद्र होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? भारत में जो प्रथम मदरसा था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कलकत्ता में जो है सर्वप्रथम मदरसा की स्थापना की गई थी, चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप देख सकते हैं चार जो प्रमुख वेद हैं उसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, और सामवेद और यजुर्वेद अर्थवेद ये चारों वेद हैं, और सबसे नया जो वेद हैं वो अर्थवेद हैं, और सामवेद के अंदर संगीत का वर्णन है जबकि अर्थवेद के अंदर तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित है। उसके बाद
अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके अंदर दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना की थी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उसके बाद अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर के अंदर जो है किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1908 के अंदर किया गया था ये। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो चंपारण के अंदर दोस्तों गांधी जी ने जो 1917 के अंदर सत्याग्रह जो है किया था, 1917 चंपारण सत्याग्रह, तो ये तीन कठिया जो एक पद्धति थी उसके विरोध में किया गया था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? जो लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन को कब बुलाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1930 हो जाएगा। 1930, 1931 और 1932 के अंदर दोस्तों तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो है भाग लिया था। और अगर पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। अगला प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्वराज जो शब्द हैं उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है सर्वप्रथम स्वराज जो शब्द का है प्रयोग किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है 14 जुलाई 1942 को पारित हुआ था, ये महाराष्ट्र के वर्धा के अंदर हुआ था। आपको याद रखना है महाराष्ट्र के अंदर आता है, वर्धा नामक स्थान से किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को जो है गढ़ा था? तो सत्याग्रह शब्द जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है गढ़ा गया था, और इन्होंने ही जो है 1917 में सर्वप्रथम जो है चंपारण के अंदर सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जनरल डायर के आदेश के द्वारा दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जघन्य हत्याकांड हुआ था। तो उस समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जो है अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का जो है निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हाजी बेगम, जिन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था, हाजी बेगम आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का जो है समकालीन था? तो गुलाम वंश का शासन था चंगेज खां के समय पर। तो इस समय इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इसका वहाँ पर शासन था दिल्ली के ऊपर, जब चंगेज खां ने वहाँ पर आक्रमण किया था। मंगोल एक नेता था चंगेज खां, तो इल्तुतमिश उस समय शासन पर था। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का जो है स्वर्ण युग था? तो आपको बताए विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में स्थित है जो तमिलनाडु के अंदर आता है, और तमिलनाडु यानी कि तेलुगु भाषा का जो है उस समय स्वर्ण युग था। आपको याद रखना है कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा का जो है स्वर्ण युग उसके समय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जो रेलवे लाइन है वो कब शुरू की गई थी? तो इसका जो उत्तर है आपको हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर देख के बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 1853, 1850, 1840, 1890। इन चारों में से जो भी राइट आंसर है इसका आपको उत्तर हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर देना है। दोस्तों और अधिक टेस्ट सीरीज के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके जो है
आप आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित और अधिक प्रैक्टिस सेट की जो है तैयारी कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ के साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।